नोटा के बारे में तो आप लोगों ने कई बार सुना ही होगा। ये इलेक्शन में यूज होने वाला एक ऑप्शन होता है। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नोटा क्या होता है, कैसे यूज किया जाता है और इसका इफेक्ट क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नोटा का मतलब होता है नन ऑफ द अबव, यानी हम किसी भी कैंडिडेट को वोट नहीं देना चाहते हैं। जब आप वोट डालने के लिए जाते हैं तो ईवीएम में आपको सबसे नीचे एक बटन मिलता है जिस पर लिखा हुआ होता है नोटा। अगर आप उस बटन को प्रेस करते हैं तो आपका वोट किसी भी कैंडिडेट पर नहीं जाता है, बल्कि वो नोटा में काउंट हो जाता है। इससे पहले कि हम नोटा के बारे में बात करें, पहले हम जानते हैं कि भारत में ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की शुरुआत कब से हुई है। भारत में ईवीएम का पहली बार इस्तेमाल 1982 में केरल के नॉर्थ पारावुर विधानसभा क्षेत्र में किया गया था, जबकि 2004 में लोकसभा चुनाव के बाद से भारत में हर एक लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मतदान का प्रोसेस पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के द्वारा ही होता रहा है। एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 2014 के लोकसभा चुनाव में 543 में से 8 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपीएटी सिस्टम वाले ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था। भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दिसंबर 2013 के विधानसभा चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में नोटा, जिसका फुल फॉर्म होता है नन ऑफ द अबव, का कॉन्सेप्ट शुरू किया था। चलिए हम बात करते हैं कि नोटा क्या होता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोग किसी लोकल प्रॉब्लम जैसे बिजली, पानी, सड़क या उम्मीदवारों के क्रिमिनल रिकॉर्ड के कारण किसी को भी अपना वोट नहीं देना चाहते, तो वो अपना विरोध किस तरीके से जाहिर करेंगे। तो इसलिए निर्वाचन आयोग ने वोटिंग सिस्टम में एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया ताकि लोग सभी कैंडिडेट्स को रिजेक्ट करने का अधिकार हासिल कर सकें। नोटा किसी चुनाव क्षेत्र के वोटर्स को ये राइट देता है, अधिकार देता है कि वो चुनाव में खड़े सभी उम्मीदवारों में से किसी को भी अपना वोट नहीं देना चाहते। मतलब ये है कि नोटा लोगों को सभी उम्मीदवारों को खारिज करने का एक ऑप्शन देता है। यानी अगर आपको अपने विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र में कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं है तो आप ईवीएम मशीन में नोटा का बटन दबा सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि नोटा को दिए गए वोट्स की गिनती होती है, लेकिन उन्हें इनवैलिड वोट माना जाता है। मतलब ये है कि नोटा के वोट किसी भी उम्मीदवार को नहीं मिलते हैं और हार जीत में इनका कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है। अब हम बात करते हैं कि नोटा का इफेक्ट क्या होता है, यानी नोटा कितना असरदार होता है। SY कुरेशी ने ये कहा था कि अगर 100 में से 99 वोट भी नोटा को पढ़ते हैं और किसी कैंडिडेट को सिर्फ एक वोट मिलता है तो उस कैंडिडेट को विनर माना जाएगा और बाकी वोटों को अवैध करार दे दिया जाएगा। इसको हम एक और एग्जांपल से समझते हैं कि अगर किसी विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र के सभी उम्मीदवारों यानी कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हो जाती है तो ऐसे में भी जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट्स मिलते हैं उसे विनर घोषित किया जाता है। कई बार तो ऐसा देखा गया है कि सभी उम्मीदवारों से ज्यादा वोट नोटा को मिलते हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव में नोटा मतों की संख्या कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर किसी भी दूसरी पार्टी के वोटों की संख्या से बहुत ज्यादा थी। 2018 तक नोटा को एक इनवैलिड वोट माना जाता था और हार जीत में इसका कोई योगदान नहीं होता था, लेकिन 2018 में नोटा को भारत में पहली बार उम्मीदवारों के बराबर का दर्जा मिला है। हरियाणा में दिसंबर 2018 में 5 जिलों में होने वाले नगर निगम चुनाव के लिए हरियाणा चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया था कि नोटा के जीतने की सिचुएशन में सभी कैंडिडेट डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे और चुनाव को दोबारा से कराया जाएगा, और जो कैंडिडेट नोटा से कम वोट पाएगा वो दोबारा से इस चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता। अगर दोबारा चुनाव होने पर भी नोटा को सबसे ज्यादा वोट्स मिलते हैं तो फिर सेकंड नंबर पर आने वाले कैंडिडेट को जीता हुआ माना जाएगा, लेकिन अगर नोटा और उम्मीदवार को कैंडिडेट को बराबर वोट मिलते हैं तो इस सिचुएशन में उम्मीदवार को विजेता घोषित कर दिया जाएगा। सो गाइस, इससे एक तरह से ये सामने निकल कर आता है कि नोटा को वोट डालना एक तरीके से अपने वोट को खराब करना होता है। मतलब कि अगर आप नोटा को वोट देंगे तो वो वोट किसी की भी हार जीत में कोई इफेक्ट नहीं करेगा, और न्यू रूल के अकॉर्डिंग भी अगर नोटा के वोट ज्यादा होंगे तो तब ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि वोटिंग दोबारा से कराई जाएगी, और दोबारा से वोटिंग कराने पर भी अगर नोटा के वोट ज्यादा आते हैं तो जिस सेकंड नंबर पर जो उम्मीदवार है, कैंडिडेट है, उसको विनर घोषित किया जाएगा, मतलब वो जीत जाएगा। तो मेरे हिसाब से नोटा एक तरीके से अपने वोट को खराब करना होता है। तो अगर आप भी इलेक्शन में वोट डालने के लिए जा रहे हैं तो आप किसी कैंडिडेट को ही वोट दीजिए, क्योंकि नोटा को वोट देना एक तरीके से अपने वोट को खराब करना होता है।
सो गाइज आई होप कि अब तो आप समझ चुके होंगे कि नोटा क्या होता है और नोटा वोट डालने का क्या इफेक्ट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, और अगर आप अभी भी किसी कंफ्यूजन में हैं तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।